बीघा, दस बीघा, सौ बीघा, पचास बीघा मांगते जिसे तुम्हारा और तुम्हारे ऋषियों का पालन होता। भगवान ने कहा नहीं राजा, हम संतुष्टि महात्मा, और जिस महात्मा को आप बन गई संतुष्ट न हुआ तो वो महात्मा नहीं। जो संतुष्टि महात्मा होते हैं वो तो फूल पान से ही दिख जाते हैं, लेकिन हे राजा केवल भगवान का भजन करने के लिए तीन पग पृथ्वी मुझे चाहिए। ऐसा सुना किसने? शुक्राचार्य। तभी समझ गए ओ राजा बने, अरे तू मेरे शिष्य रे, तेरा समझाने को काम मेरा है। पर महाराज का कह रहे हो कि मेरी बात मान ले, कि महात्मा महात्मा ना तो मत दे तान जमी को हो राजा बने, मत दे तान जमी को राजा बने, मत दे तान जमी को हो पागल मत बने। क्या तू साधारण महात्मा समझ रहा हो कि महात्मा ना तो ये छलिया? हिम्मत दे कान जमी को राजा लग रहा हूँ विष्णु जाई ने हिरणा कुछ मारो, जाई ने हिरणा कुछ मारो, जाई ने हिरणा कुछ मारो, ए बन के सिंह बनी को हो राजा बोले, हो राजा बोले, करवे को काम तेरो है। तेरी समझ में आ जाए तो ठीक है, न समझ में आवे तो ठीक है। जाई ने भस्मा सुर मारो, 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 घर के भेष सती को हो राजा बने, हो राजा बने, हो राजा बने, मत दे जमी को हो राजा बने, जाई ने हरिचंद छन लियो, जाई ने हरिचंद छन लियो, जाई ने हरिचंद छन लियो, अब घर के भेष मुनि को हो राजा बने, हो राजा बने, हो राजा बने, मत दे दान जमी को हो राजा बने, मत दे दान जमी को हो भगवान जी। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह शुक्राचार्य जी ने हे राजन परीक्षित बार बार राजा बल को कहा कि वो राजा क्या तू साधारण बन जाने, ये विष्णु है छलिया छलिया छलिया। बोले महाराज ये कहा है राजा बल अपने गुरु शुक्राचार्य, महाराज इस समय मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, ये मेरे अहोभाव
क्षण मेरे यज्ञ में पधारे। और हे महाराज, यदि मैं ये खाली हाथ लौटा दूं, चाहे आज भले ही कुछ भी हो, आप कह रहे वही सत्य हो। देखिए राजा बंदे यहाँ कह दिया है शुक्राचार्य को, भले ही आप जो कह रहे वही सत्य हो, लेकिन फिर भी मैंने खाली हाथ नहीं लौटा, ये तो बल ने कह दिया। हे राजा ने परिषद है, जब ये इतना सुना है तभी वामन भगवान ने कहा है कि ठीक है राजा, ऐसे मुझे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बार बार शुक्राचार्य उसे उकसा रहे। बोले मुझे पहले संकल्प दे तीन पग पृथ्वी देने के लिए। राजा बोले जब से तैयार हो गए, शुक्राचार्य बोले राजा अब मांगा मेरी बात सोच ले। बोले महाराज दर्शन में एक उद्देश्य, घट से वो जल झाड़ी लेकर के आए। शुक्राचार्य मन में सोचन लगे जी तो है वो पागल, बच्चा की रक्षा करना मेरे धर्म बनना हो। आज संकल्प लेने के लिए बामन भगवान तैयार हुए, झाड़ी को ऐसे करके पौधी करने लगे, लेकिन वह शुक्राचार्य पग तोट में जाके बैठ गए। भीम को रोक दूंगे पूरी झाड़ी ओली कर गई, एक बूंद जल की नायन करी। तभी बामन भगवान ने कहा भैया बनी ये कब से यूज नहीं हुई है, जो महाराज हमारे पूर्वज हुए यज्ञ होती जब जब इसको यूज किया जाता रखी रहती है। भगवान समझ गए, इसीलिए इसे भ्रम ने मट्टी रख ली है। जब से कुशाव ने खींचा तो बाबा टोटी में सीख जो डारी शुक्राचार्य की आंख बन गए। बाबा से निकल के आए, बोले राजा तेरे पीछे मेरी आंख फूट गई, बच्चे ही समझ गए। वामन भगवान कहने लगे इसी से कहा जाता है कि देते लेते में धर्म के काम में कोई एड़ लगाया था कि टांग टूटे थे आंग भूत, ये तो ही काम भूत। गौर कीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आज वही हुआ है। आज तीन पग पृथ्वी देने के लिए राजा बोले संकल्प वामन भगवान को दे चुके हैं। बोलिए विष्णु भगवान की, तब संकल्प दे करके फार्क हुए। तब का है कि हे भगवान, जहां से भी तुम्हारे अच्छी लगे वहीं से आप नाप लीजिए। बामन भगवान बोले ठीक है, तो मैं तो नहीं थे नापे बजा खड़ो कहीं। राजा बल बोले तो ठीक है नाप लो। ध्यान दीजिए, आज भगवान ने अपना रूप बढ़ाया विस्तार। राजा के देखते देखते ही चरण धरती पे रह गए और शीश प्रजा के आकाश से न दो बोलो बामन भगवान की जय हो। राजा की इस तरह आंखें फटी की फटी रह गई। अब ना बात कोई जवाब, एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरी में आकाश नाप लो। बहु आकाश फोर के सीधे जाके कमंडल ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के कमंडल में चरण पहुंचे, वहां से चरण गंगा प्रकट हुई है। सूर्य विष्णु भगवान की जय। तब ब्रह्मा जी ने जाना है ब्रह्मलोक में चरण पहुंच गए, तभी समझ गए कि भगवान विष्णु ने काम बना लिया है। बोले भगवान भगवान की जय। आज मेरी माता बहनों तभी कहा है बामन भगवान ने, हे भैया अब तीसरा पद कहां से नापो, एक पग में तेरी पृथ्वी पूरी आ गई और दूसरे में आकाश आ गई, अब बताइए तीसरा पग बाकी बचा है वो कहां से लूं। तभी राजा बल हाथ जोड़ के सामने खड़ा, बोले हे मायापति प्रभु, मैंने तुम्हें जान नहीं पाया, अब तो केवल जो आपकी माया थी मेरे पास मैंने प्रथाई उसमें घमंड किया, और मुझे वो घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बताते हुए फिर भी मैं आभेश में आकर के वो अभिमान भरे वचन में आपसे बोल उठा, इसलिए भगवान मुझे क्षमा करते हुए अब तीसरा पग लेकर के मेरी पीठ को